the first week. You are now unmuted. Hello everyone. Is my voice is clear to you? Yes, sir. Okay. Nikita, is my voice is clear to you? Good afternoon. Yeah, good afternoon, everyone. Okay, that's fine. Okay. Okay. Nikita, is this your first class or you have attended a few lectures earlier? Okay, I hope जो हमने previous lectures में पढ़ा एनालॉग मैंने फ्रिक्शन की काफी चीजें हमने concept along with questions हमने discuss कर लिया है. So in this lecture we'll start circular motion, right? तो पहले basics of circular motion जो होता है like angular variables like angular displacement, right? Angular velocity, angular acceleration. ठीक है, तो ये जो बेसिक सर्कुलर वेरिएबल्स हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अलोंग विद क्वेश्चन विल डिस्कस थ्योरी आल्सो. ठीक है, ओके निकिता. सो निकिता, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? क्या आपका फर्स्ट क्लास है? ओके ओके, चलो कोई बात नहीं. अगर कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन अगर आपको होता तो आप पूछ लेना, क्वेश्चन नहीं उसको मैं डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, दीपक, निकिता, प्रीतम, रिक्की, सनु, ओके फाइन. ओके, सो पहले आप एक क्वेश्चन रीड करो एंड अगर इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आता है देन इट्स वेरी गुड, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, टेल मी, आई विल एक्सपेक्ट यू. ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, रीड करो आप. आपको समझ में आता है नहीं आता है दोनों चीजें आप बताओ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या कॉन्सेप्ट है इसमें एंड हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. राइट, जस्ट डू इट राइट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ आप लोग कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है या फिर जो फॉर्मूला है कि जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सभी लोगों को आता है या किसी को नहीं भी आता? सानू, आंसर सी. नहीं सानू, आपका आंसर गलत है, चेक करो आप इसको. इसमें जो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट वो सबको आता है या नहीं आता है मुझे एक बार बताओ, सो दैट कि मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट, अगर किसी को नहीं आता है तो. ओके, यानी सभी लोगों को इसका कॉन्सेप्ट आता है, लाइक कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको.
एक बार सर बता दीजिए। चलो कोई बात सर एक्सप्लेन कर देते। नहीं, ओके ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। एन एरोप्लेन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद अ स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन हाफ रिवॉल्यूशन। राइट, तो पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, सिंपल सा, लाइक दिस। ये बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है जो एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, टहल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है सॉरी चेंज इन वेलोसिटी इन हाफ रिवॉल्यूशन। राइट, हमें चेंज इन वेलोसिटी बताना है हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलो अच्छी बात है, तो हम क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं कि कोई पोजीशन हमें माना पड़ेगा जहां से वो स्टार्ट कर, लेट अस सपोज कि पार्टिकल सॉरी जो एरोप्लेन वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो वेलोसिटी होता है सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एलोंग टेंजेंट होता है ऑलवेज, तो इस तरीके से ये डायमीटर है बेसिकली, ठीक है। बोल रहा है कि हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन मतलब क्या है कि वो इस सर्कल का हाफ पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है, सर्कल का हाफ पार्ट कवर कर रहा है। So, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे 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 आया ये और यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग दिस टेंजेंट लाइक दिस। राइट, सो लेट अस से कि ये पॉइंट ए है यानी ये पॉइंट बी है, ठीक है, सेंटर है, इसको हम कुछ वो मान लेते हैं। तो क्या आपको बताना है चेंज इन वेलोसिटी इन हाफ रिवॉल्यूशन, आपको चेंज इन वेलोसिटी बताना है, चेंज इन स्पीड नहीं बताना है। सो वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक मिनट में देख लूं कौन कौन से लोग आ गए हैं। ओके मिस्टर सचिन कुमार, सचिन इज दिस योर फर्स्ट क्लास, सचिन कैन यू हियर मी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, यू कैन रिप्लाई विथ योर वॉइस और यू कैन ज्वाइन चैट पब्लिक चैट आल्सो। ओके चलो कोई बात नहीं, तो आपसे क्या पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, तो कीप इन माइंड कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और एक कांस्टेंट स्पीड है। तो आपको याद होगा कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो दो चीजें ध्यान रखना है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। आई होप ये चीज सबको पता होगा, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मैटर करेगा, डायरेक्शन नहीं होता इसका। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी मैटर करेगा, वी हैव टू काउंट इट, हमें वो चीज को ध्यान भी रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा नहीं हो रहा, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछता तो हमें उस चीज को काउंट करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कुलर की, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट पे अगर लेट अस से लाइक दिस, एक मिनट अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं इस तरीके से, लेट अस सपोज दिस डायरेक्शन एक्स एंड दिस डायरेक्शन वाई, ठीक है। तो पॉइंट ए पे हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट ए हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सिंपल अगर वी नॉट है, इसको हम वी नॉट अगर मान लें, ठीक है, वी नॉट, राइट, तो हम सिंपली लिख सकते हैं वी नॉट जे कैप, राइट, क्योंकि ऊपर वाला क्या है पॉजिटिव है। एंड एट पॉइंट बी, बी पे हम क्या लिख सकते हैं, एट बी पे हम सिंपल लिख सकते हैं ये नीचे के डायरेक्शन मतलब माइनस जे के डायरेक्शन, हम क्या लिख सकते हैं माइनस वी नॉट जे कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी एट पॉइंट ए हो गया, वेलोसिटी एट पॉइंट बी हो गया, ठीक है। पूछा क्या है, अब हाफ रिवॉल्यूशन का इस चीज आपको क्लियर होगा, पूछा क्या चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वी लिख लो आप, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल मींस वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो ये कितना हो जाएगा, देखो फाइनल मतलब माइनस वी नॉट जे कैप माइनस वी नॉट जे कैप, तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस टू वी नॉट जे कैप आ जाएगा, ठीक है। मतलब कितना आ गया, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर देखा जाए कितना आ गया, ट्वाइस ही आ गया, ठीक है। वी नॉट ट्वेल्व हमें दी हुई है और आंसर आप देखो, आंसर सब क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। आंसर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, सब क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में दिया हुआ है, तो समझ लो ठीक है, वी नॉट की वैल्यू पुट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा माइनस 500 जे कैप, ठीक है, जो भी यूनिट है किलोमीटर
पर आर, आई थिंक इसमें कुछ सही रहेंगे, नहीं ठीक है सही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 500, खैर मैंने जो पूछा तो 500 किलोमीटर पर आर हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व हुआ ये? यस सर। ओके चलो बढ़िया है। प्रीतम समझ में आया? यस सर। चलो बढ़िया है, ठीक है अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, गुड। हर्षिता एंड निकिता समझ में आ गया आपको ये? ओके फाइन ओके दैट्स गुड। ओके तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपली वेक्टर का जो चीज है वो आपको ध्यान रखना था, हाफ रोटेशन में जो डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या हो जाती, 180 डिग्री रिवर्स हो जाती थी, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना था और कुछ नहीं, ठीक है। ओके सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट वन। ओके सो जस्ट ट्राई दिस वन। एक बार इसको रीड करवा फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा ये चीज कि क्या थ्योरी या फिर क्या कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सर बी ऑप्शन, सॉरी सी। सी ऑप्शन पैटल वाली में इक्वल इंपल्स में इक्वल टाइम में तो वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। एग्जैक्टली ठीक है, सही है। बाकी लोग और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सचिन कैन यू हियर मी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? दीपक, हर्षिता, प्रीतम, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सी, हाँ राइट सही है ठीक है। चलो इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको सिमिलर काइंड ऑफ कुछ अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको रिप्लाई कर सकें। ओके लेट अस थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, कुछ नया नहीं है बट एक बार समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिमिलर काइंड ऑफ और क्या क्या चीजें इसमें बन सकता है, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर इसका हो गया, मानो कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है समथिंग कुछ v वेलोसिटी से, ठीक है, ये v वेलोसिटी है राइट। तो सर्कुलर मोशन में लाइक अगर ये सर्कल का रेडियस r है तो वी कैन से दैट ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v बाय r, रिलेशन पता सभी लोगों को, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हम सर्कुलर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, सर्कुलर वेरिएबल्स राइट। तो सर्कुलर वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा राइट। एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आता है? डी थीटा बाई डी टी। एंड अल्फा कैसे आता है? डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ से आता है, ठीक है। तो अब इसमें कई सारे केसेस हो सकते हैं, केसेस क्या हो सकते हैं? पहली चीज कि ये जो v वेलोसिटी है ये कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट सिंपल सा केस अगर हम लेते हैं, इफ v इज कांस्टेंट, v अगर कांस्टेंट होगा तो रेडियस क्या है? कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट हो तो सिंपलाइज ये क्या होगा? ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब ऐसा केस होता है, जब क्या हो v कांस्टेंट है दैट सिंपलाइज ओमेगा कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम इसको बोला जाता है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस रिलेशन में आप देखो ओमेगा कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, किसी गिवन टाइम इंटरवल में या फिर किसी फिक्स टाइम इंटरवल में या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में बोल सकते हो कि जितना एंगल, लेट अस से अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर t1 टाइम इंटरवल में थीटा 1 एंगल ट्रेवल हुआ, ठीक है, फर्स्ट t1 टाइम में, तो सेकंड t1 टाइम में भी कितना एंगल ट्रेवल होगा, थीटा 2 एंगल ट्रेवल होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो इसी पे बेस्ड था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल कवर कर रहा है, एफईएम इक्वली रोटेट कर रहा है, जो उसमें बड़े लिखा हुआ था, ये इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो बात सेम है, क्या है वहां पे, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, ठीक है, ध्यान रखना है। वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन, यहां पे ऐसे डायरेक्शन, यहां पे ऐसे डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ऐसे डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ऐसे डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट स्पीड या फिर वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड वो क्या है, कांस्टेंट। एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, इस प्रोसेस में अगर हमको ये भी चीज पता है कि ओमेगा क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है, राइट, तो ओमेगा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या सेम है, व्हाट अबाउट ओमेगा, हम क्या बोले, अगर अगर इस सेंस में घूम रहा है, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर ये रोटेट कर रहा है पार्टिकल, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंड इज इट चेंजिंग और नॉट, ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ आप लोग, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी इस प्रोसेस में वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसका डायरेक्शन क्या है। हाँ प्रीतम बोलो, रेडियस तो सेम है, सेम है, और जो वेलोसिटी भी सेम है। ओके, नहीं वेलोसिटी अब सेम नहीं बोल सकते, बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो कि सेम है, ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके चलो कोई बात नहीं, देखो इस चीज को एक बार समझ लो क्विकली, जो इट विल चेंज द सेट टू बी आउटवर्ड डायरेक्शन सर, राइट राइट राइट, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी लाइक जस्ट कर्ल योर फिंगर इन द सेंस इन व्हिच पार्टिकल इज मूविंग, राइट, सो इफ यू कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन लाइक द थंब विल टेल द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंड इन सिमिलर वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आल्सो। तो इस सिचुएशन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हमें क्या डायरेक्शन मिल जाएगी, आउटवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो जो थंब का डायरेक्शन होता है हमारा, वही क्या बताता है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे तो ये आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस व्हाट, कि जो ओमेगा का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी को क्या है, आउटवर्ड, ठीक है, चलो बढ़िया। अब एक सेकेंड केस लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, देखो क्या लेते हैं, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि इनिशियली ओमेगा कुछ इसका है, ओमेगा इनिशियल एंड अल्फा भी है, अल्फा मीन्स व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कमेंट कर सकते हैं फॉर ओमेगा एंड वी ऑल्सो, व्हाट वी कैन कमेंट फॉर ओमेगा एंड वी, ओमेगा एंड वी पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं, कमेंट इन सेंस कि दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, या केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्या होगा, एक बार आप सोचो। मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ओके फाइन, ठीक है, एग्जैक्टली अब कोरिलेशन पता होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, फाइनली इसको बोल सकते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा, ठीक है, ये एक रिलेशन हमें पता है।
और ये जो टेंजेंशियल स्पीड है या जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं, राइट, अगर अल्फा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है तो हम डिफाइन करते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यहां पे ए इसे टी ऐसे लिखते हैं इस तरीके से। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ओमेगा भी चेंज होगा, ओमेगा के साथ साथ जो वी है, ये जो किसी इंस्टेंट पे जो हम टेंजेंशियल स्पीड या टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, v final is equal to v initial plus at means tangential acceleration into t, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो ही रहा था, अब अगर अल्फा आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज हो ही रहा है। बट ओमेगा की जो डायरेक्शन है, अगर एक चीज और, अब इसमें हमने मैंने क्या दिया, जो अल्फा है वो अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ ओमेगा है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे ओमेगा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसी सेंस में अल्फा भी लग रहा है। तो अल्फा क्या करेगा, जिससे इस रिलेशन को भी आप देख सकते हो, अल्फा क्या करेगा, इस ओमेगा को इंक्रीज करेगा। तो हम ये बोल सकते विद टाइम एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीज, राइट, यहां पर हम बनेंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा चेंज ये कर दूं कि जो अल्फा की डायरेक्शन है उसको मैं रिवर्स कर दूं, देखो अब इसी भी मैं बना रहा हूं, कर मान लो कि अगर ये केस नहीं, अल्फा ओमेगा ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और अल्फा को मैंने ऐसे ले लिया लाइक दिस क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में मैंने ले लिया अल्फा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, अगर मैं अल्फा का जो डायरेक्शन है उसको मैंने एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया, मतलब जो ओमेगा का डायरेक्शन था ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मैंने उसको रिवर्स कर दिया, अल्फा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज मैंने ले लिया, इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो सिंपल। अब अगर हम देखो इसमें अजम्पशन नहीं बोल सकते, क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, हमें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है, एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है। जैसे बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ये वेरिएबल्स है थीटा ओमेगा एंड अल्फा, ये सब एक्सेल वेक्टर है, मतलब इनकी दो ही डायरेक्शन होंगे, ठीक है, लाइक अपवर्ड इनवर्ड, या फिर जैसे अगर हमें 2D प्लेन में जिसपे जिस आप कॉपी पे लिख रहे हो, जिसमें शीट पे लिख रहा हो, इसमें इन टू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन, दो डायरेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है, इस 2D में अगर देखे तो अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, अगर हम आउटवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं तो इनवर्ड को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को लिखना पड़ेगा। देखो अब सेकंड केस में कैसे होगा, अब सेकंड केस में आप देखोगे तो सेकंड केस में क्या है कि ओमेगा जो इनिशियल है वो आउटवर्ड है, तो अगर मैं आउटवर्ड को देखो, मैं इसे लिख दे रहा हूं, मैंने क्या माना, आउटवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, आउटवर्ड को पॉजिटिव मैंने मान लिया तो इनवर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब ओमेगा अल्फा, सॉरी, ये जो अल्फा मैंने माना, ये क्या है, ऐसे आप अपने हैंड को ऐसे रोटेट करोगे तो ये थंब क्या आएगा, इनटू द प्लेन आएगा, दैट मींस व्हाट कि अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो आप ओमेगा फाइनल लिखोगे वो क्या आएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल ये माइनस अल्फा टी हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि विद टाइम इन द सेकेंड केस जब अल्फा का डायरेक्शन उल्टा है, अपोजिट टू ओमेगा है, तो जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंड डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो टाइम ही हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जो पार्टिकल है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अल्फा मूव करने लगेगा। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियली अल्फा विल, सॉरी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज अंटिल इट्स वैल्यू बिकम्स जीरो, देन आफ्टर इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड द डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा। पहले डिक्रीज होकर जीरो तक जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये ऐसे फिर वो अल्फा के डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगेगा क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। इन सिमिलर वे जब अल्फा इधर है तो इस केस में ये जो एटी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा, वो भी इधर हो जाएगा अपोजिट टू वेलोसिटी। ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपली आर अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट है, तो आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट हो तो क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है,
वेलोसिटी क्या होती है टाइम के साथ डिक्रीज होने लगती है। तो अगर लीनियर वेलोसिटी की अगर बात करें तो एक्चुअली ये दोनों चीजें साथ होंगी, क्योंकि हमें सर्कुलर मोशन में ये भी रिलेशन होल्ड करता है v is equal to r ओमेगा, ठीक है। तो जब ओमेगा जीरो होगा तो उसी मोमेंट में क्या होगा, v भी जीरो हो चुका होगा। फिर at के डायरेक्शन मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में क्या होगा, v जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, इन सिमिलर वे जैसे ओमेगा हो रहा था एंगुलर वेलोसिटी हो रहा था, ठीक है। अब बताओ आप क्या पूछना चाहते हो इसमें, जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना है और थोड़ा डायरेक्शन भी ध्यान देना, क्योंकि डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा ये सब चीजें। निकिता आपको समझ में आया ये सेकेंड केस में जब अल्फा हमने ओमेगा के अपोजिट ले लिया तब कैसे चेंजेस हो रहे हैं? ये जो सेकेंड केस है हमारा किसी को कुछ पूछना है इसमें कि कैसे जो सेकेंड केस हमने लिया जब अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट तब कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ओमेगा फाइनल कैसे चेंज हो रहा है एक सर्टेन टाइम बाद। एक सिंपल आप जैसे लीनियर मोशन में आप पढ़ते हो कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, ठीक है, अगर लीनियर को उसी तरीके से समझ सकते हो, कुछ खास नहीं। लेट अस सपोज कि ब्लॉक है, इसको आपने इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे दिया, ठीक है, ऐसे, बट एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब क्या होगा, ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा और ये कुछ आगे तक तो जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी तो मान लो इस इंस्टेंट पे जीरो हो गया, बट एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है, तो ये जो ब्लॉक हो क्या होगा, वो फिर इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे लिनियर ना होके क्या है, एंगुलर वेरिएबल्स है, ठीक है। जैसे ओमेगा का जो डायरेक्शन है आउटवर्ड, उसके अपोजिट किसका डायरेक्शन है, इस अल्फा का डायरेक्शन है। तो ओमेगा डिक्रीज होते 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 कहां तक हो जा रहा है, जीरो तक हो जा रहा है, देन उसके बाद अल्फा के लॉन्ग उसका डायरेक्शन हो जा रहा है। दीपक, निकिता, प्रीतम, समझ में आया ये? रिंकी, चलो बढ़िया है, ओके ओके। हर्षिता, आपको समझ में आ गए या फिर कुछ पूछना है आपको तो बोलो। एनीवे निकिता, आपको समझ में आ गया क्या बोल रहे हो, रिपीट करने के लिए? आई थिंक दोनों पर्सपेक्टिव से हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं, लीनियर में। ओके चलो बढ़िया, ठीक है, ओके। सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो ही गया होगा आपको, एक बार फिर से देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइब इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये थीटा बाई टी क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, दिस इज कॉन्स्टेंट मीन्स वॉट, ओमेगा थीटा बाय टी क्या होता है, ओमेगा होता है, दिस इज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, तो क्या होगा, वी वी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट, बट डायरेक्शन इज चेंज, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके, सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन, कुछ और नेक्स्ट देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, आप इसको ट्राई करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये क्वेश्चन है,
अगर किसी ने सॉल्व कर लिया आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर आ रहा है आपका? ओके आप देखते हैं इसको, किसी का आंसर नहीं आया, आसान क्वेश्चन है यार। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ट्रैवलिंग विद स्पीड दिस एज इट गोज राउंड ए कर्व ऑफ रेडियस 160 मीटर, ठीक है? ऐसा हम समझ सकते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, इट्स नॉट अ कंप्लीटली सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं है, बट हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या एक्सेलरेशन। ओके क्या आंसर आ रहा है आपका? एक्सेलरेशन सर। व्हाट यू आर सेइंग, आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। के ऑप्शन सर। ओके या राइट राइट, इट्स बी आई थिंक ये ऑप्शन इज राइट। ओके लेट अस अंडरस्टैंड, इसको इस तरीके से बना सकते हो आप। इसका नहीं आंसर आ रहा है, हाँ ए इज द राइट आंसर, सिंपल है। ये बोल सकते हो आप दिस इज द पार्शियल सर्कुलर लाइक दिस, ठीक है? ट्रेन ऐसे मूव कर रही है इस तरीके से, और इस ट्रेन का जो जो पार्शियल सर्कल बन रहा है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो रेडियस बेसिकली है वो कितना है, 160 मीटर, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, ये 400 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको उस इंस्टेंट पे बताना है, ठीक है? तो आपको पता है जो सेंट्रीपेटल बेसिकली क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में, एसी इसको भी बोलते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसको, रेडियल एक्सेलरेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है? तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर बाई आर, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है फॉर सर्कुलर मोशन, राइट? या फिर सर्कुलर मोशन कोई अगर पार्शियल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है तब इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है? हमें वैल्यूज दी हुई है, वी वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 400, सो 400 का स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, 160, राइट? कितना आ जाएगा, 16 4 × 0 / 160, तो ये बेसिकली आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो ऑप्शन एक्चुअली मीटर किलोमीटर में भी दिया हुआ है, निकाल लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया बाकी लोगों को? प्रीतम, विंकी, निकिता, अच्छा निकिता का आ गया, चलो बढ़िया है, ठीक है। यस सर।
ओके चलो बढ़िया है। ठीक है ठीक है ठीक है। सचिन आपको समझ में आ गया? प्रीतम ओके चलो बढ़िया। किसी को कुछ पूछना तो नहीं इसमें सेंट्रिपेटल एक्सिलरेशन में? चलो बढ़िया कोई बात नहीं। स्मॉलर नेक्स्ट वन। ओके सचिन ओके दैट्स गुड 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 बहुत बढ़िया अच्छी बात है। ओके जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें आपको एक एक हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले बट एक रफ वैल्यू जो मिलेगा वो बता देना। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बी ऑप्शन बी ऑप्शन ओके राइट राइट राइट। ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का आंसर आ रहा है? और किसी का आंसर नहीं आया? एनीवन गॉट द आंसर? ओके जस्ट हैव अ लुक। देखो इसमें सिंपली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फैन लेट दिस डू दिस मेजर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ द फैन इज रोटेटिंग विद आरपीएम 1200 एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्लेट इज अबाउट राइट। इस तरीके से कुछ होता है। पंखा सबके घर में लगा ही होगा राइट, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। देखो ये ऐसे कुछ बोल रहा है इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा ऐसे ऐसे बन जाएगा राइट लाइक दिस। ठीक है तो ये बोल रहा है कि लेंथ जो है ब्लेड का, मतलब यहां से मेजर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहां से इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है और ये रोटेट कर रहा है 1200 आरपीएम से राइट। 1200 क्या है आरपीएम, तो ये बेसिकली क्या ओमेगा बता रहा है। ठीक है बट ओमेगा आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है इसको नहीं पता नोट डाउन कर लेना आप, रिवोल्यूशन पर मिनट राइट। इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में राइट, ये आरपीएम। आपको पता एक रिवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर में कितना एंगल रोटेट कर जाता है, 2π रेडियन राइट। 1200 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और ओमेगा निकाल लेते हैं पहले। तो 1200 में कितना हो जाएगा इनटू 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर मिनट दिया हुआ है बट हमें किस में चाहिए, सेकंड में। एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 होता है। ठीक है इसको सॉल्व कर लो आप, आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 40π रेडियन पर सेकंड। आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा आपको। ठीक है अब ओमेगा आपको एक बार मिल गया, फिर क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन टिप ऑफ द ब्लेड राइट। तो बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है, ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है तो अगर क्योंकि इसमें अगर कुछ नहीं बोला है तो हमें क्या माना है, इसको कांस्टेंट माना है या फिर उस इंस्टेंट की बात कर रहा है, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, आर ओमेगा स्क्वायर।
वैल्यूज आपको पता, आर की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 0.3 मीटर आ जाएगा, ये आर की वैल्यू हो गई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 40 पाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको अप्रोक्स 4700 की अप्रोक्स कुछ वैल्यू आपकी आ रही होगी, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको आरपीएम दिया है, इसका मतलब कि वो रिवॉल्यूशन पर मिनट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हमें पता है एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हमें रेडियन पर सेकंड ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा आपको मिल गया, तो उसके बाद फिर आप बाकी जो चीजें उससे पूछा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को ये? या कुछ पूछना चाहते हो तो आप बताओ, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ओके। रिंकी, प्रीतम, निकिता, आपको समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। चलो सर। हाँ बोलो सर। सर पीछे से बहुत आवाज आ रही है टीचर की। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ओके। मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज ना आए, नहीं कुछ मैं करता हूँ उसके लिए, ठीक है। ओके, सो नाउ जस्ट ट्राई दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको रीड करो एंड ट्राई करो आप इसको, ठीक है। आई विल बैक इन वन, एक मिनट में मैं रिटर्न आता हूँ, ठीक। तब तक आप इस क्वेश्चन को रीड करके आप ट्राई करो। You are now muted. You are now unmuted. से बोलिए, ये जो सर लोग पढ़ा रहे हैं उनको आवाज इधर किधर बच्चे कम पे हैं, सर पीछे से बोल रही है, तो क्या सब है तो आप इस तरह कंटिन्यू कर रहे हैं इन तरह के आप बच्चों को मुझे इसका संकेत क्या है और हाँ तो ये आवाज काफी आ रही है। ओके हर्षिता, ऑप्शन ए, ओके लेट मी चेक। और किसी का आंसर आ रहा है इसमें? सर डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन, ओके ओके, देखते हैं, रिपीट चेक कर देखते हैं इसको कैसे और क्या ऑप्शन आ जाते हैं इसमें। ओके आओ देखते हैं इसको, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, द एक्सीलरेशन इन मोमेंटम वेक्टर एट एन इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज दिस, ठीक है। इसमें एक्सीलरेशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, वो बेसिकली हमें किसके बारे में बता रहा है, वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बता रहा है, ठीक है। क्योंकि पता है आपको हमें मोमेंटम वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इसी के अलावा, ठीक है, जो कुछ भी मास होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन बेसिकली यही आएगा,
ठीक है। तो अब अगर आप सर्कुलर मोशन में देखो, सर्कुलर मोशन में होता क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना पड़ेगा एक बार, देन फिर हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। अब पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि ये जो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट होगा, ये वेरी नहीं करेगा। और जब ये कॉन्स्टेंट होगा तो केवल एक ही हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो क्या होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एंड दिस विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी ऐसे होगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंडीशन है। बट अगर ये पार्टिकल एक्सेलरेट करे, जैसे कि मैंने मेरे पीछे बताया, अगर मान लो कुछ अल्फा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो 80 आ जाएगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। अब सोचो आप, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी है, तो ऑब्वियस सी बात है, और वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा यही रहना, किसी पॉइंट पे आप बनाओगे वेलोसिटी वेक्टर, यहां पे ऐसे होगा, यहां पे ऐसे होगा, और यहां पे ऐसे होगा, दिस विल ऑलवेज बी अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, हमेशा ये टेंजेंशियल ही होगा। बट अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है, तो और एक चीज और यहां पे क्या बोला है, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम ऑफ मोमेंटम वेक्टर एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो जहां पे कुछ ना बोला हो, That means कि ये जो acceleration दिया है, ये net acceleration की बात कर रहा है, ठीक है? इसमें अगर कुछ नहीं बोला है कि ये centripetal acceleration है या tangential acceleration है, that means कि he is saying the net acceleration is this 2i का plus 3j का, right? तो अब सोचो आप, अगर tangential acceleration भी होगा, तो जो net acceleration का at इस direction में और ac इस direction में, तो net acceleration कहीं इधर आ जाएगा, like this, इस तरीके से कुछ आ जाएगा, right? ये net acceleration कुछ इस direction में आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो नेट एक्सेलरेशन ये है और वेलोसिटी वेक्टर, इसके बीच में अगर कुछ एंगल में अल्फा मानो, चलो सॉरी अल्फा नहीं थीटा मान लेते हैं, अल्फा से कंफ्यूज हो जाओगे, थीटा, तो थीटा क्या होगा, दिस शुड बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा ही होगा, ठीक है। बट अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, केवल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। इसमें एक मेंशन किया नहीं है, बट एक चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, बट वो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, और किसी इस इंस्टेंट पे क्या हो, जीरो, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मल तरीके से चेक करोगे, ठीक है, मतलब चेक करने का एक तरीका क्या है, कि आपने ये देखा कि ये जो एसी है, जो फर्स्ट केस हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले चेक कर लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं है, तो चेक कैसे करोगे आप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एक ही एक्सेलरेशन होता है ये, और वेलोसिटी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, और एक दूसरे के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या है, अगर एंगल 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अगर दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री, लेट्स सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए डॉट बी क्या होगा, जीरो आना चाहिए, अगर ए बी आर द परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ए डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, बी के बेसिकली बी है वेक्टर, ठीक, मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आप जब यहाँ पे ये निकालोगे ना, ए डॉट बी वेक्टर, तो आपको क्या मिलेगा, 6 2 into 6, दैट इज 12, माइनस 3 into 4, ए टू ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा बेसिकली। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, राइट, ये चीज आपको यहां से मिल जाएगी। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, इस इंस्टेंट पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, राइट। बट इसमें एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वो एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, और जिस अकॉर्डिंग जो डाटा हमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो क्लियरली ये चीज दिख हमें रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इस इंस्टेंट में, तो उस इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे गिवन है, हम आराम से बोल सकते हैं कि कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तो नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर में जो एंगल हो 90 डिग्री नहीं होता, उससे कम ही होता, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पे जीरो है, राइट, तो मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, बोला मतलब मैग्नीट्यूड उसका क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, ठीक है, समझ में आया ये, ओके। हमारे पास कैसा
किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे डी भी ऑप्शन हो सकता था, बट जो मोस्ट सुटेबल आंसर है या जो डाटास गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि इस इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, राइट। और कुछ चीजें हमें बोला नहीं है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, वो ए आंसर मिलेगा। दिस यूनिफॉर्म सर क्वेश्चन क्यों, क्योंकि जो स्पीड है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। दीपक, निकिता, प्रीतम, रिंकी, क्लियर है आपको, ये समझ में आ गया? यस यस सर। चलो बढ़िया, किसी का कोई क्वेश्चन? तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं एक दूसरे के, तो बेस्ट वे टू चेक कि वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो जस्ट डू द डॉट प्रोडक्ट, राइट। ये सबसे आसान तरीका होता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि कॉस टैन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। ओके सचिन, क्लियर है आपको ये? ओके चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है। ओके ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके दैट्स ग्रेट ग्रेट, गुड 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 सचिन, बढ़िया, ठीक है। आपको क्या बताना है, एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताना है एट पॉइंट ए, लाइक अबाउट पॉइंट ए एंड सी। यू आर नाउ म्यूटेड। You are now unmuted. किसी का आंसर है, आंसर बी। ओके ओके चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। आओ देखो आप लोग कैसे करते हैं। इसमें क्या बोले, पार्टिकल पी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एन यूनिफॉर्म स्पीड वी, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द डायमीटर, व्हेन पासिंग थ्रू बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए एंड सी, ठीक है ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप,
ठीक है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ जनरल, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर, ठीक है, इस तरीके। आर क्या है, आर क्या है, उस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिसके अबाउट हमें, जैसे अगर इसी केस में होते, इसमें मैं क्या बोला है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए एंड अबाउट सी, दो पॉइंट के अबाउट पूछा है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कंपोनेंट, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, चलो इसको और मैं लिख सकता हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर अपॉन आर, वेयर आर इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द पॉइंट अबाउट विच वी हैड टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसमें कैसे, क्या बोला, पॉइंट ए और पॉइंट सी के अबाउट आपको बताना है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में बी पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो वेलोसिटी कैसे होगा, इस तरीके से टेंजेंशियल होगा, मतलब ये बोल सकते हैं इस समय क्या होगा, ये जो ए सी डायमीटर इसमें क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा अबाउट ए, हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, आर वेक्टर या फिर आर क्या हो जाएगा इस केस में, ये ए बी लेंथ हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, ए बी जो लेंथ है, तो ये क्या हो गया, बी अपॉन ए बी लेंथ कितना है, टू आर हो गया, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए कितना आ गया, वेलोसिटी अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी एंड द पॉइंट अबाउट व्हिच वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। अब सेकंड केस में क्या बोला है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट सी, तो सी के अबाउट देख लेते हैं, ये वी हो गया एंड ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस वी आर हो जाएगा, वी बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट। आपको क्या बोला, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए और सी का रेशियो पूछा, मतलब आपको क्या बोला, ओमेगा ए बाई ओमेगा सी का रेशियो पूछा, ओमेगा ए कितना है, वी बाई टू आर, और ओमेगा सी कितना, वी बाई आर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वन बाई टू मिल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो खैर आपको इतना ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इससे और डिफिकल्ट नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी के क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन तो और भी बनते हैं इसमें, राइट, डिफिकल्ट, बट इससे डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो सिंपली आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, इन व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट अबाउट व्हिच वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। ये एक तरीका होता है एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का, क्लियर है हर्षिता, यू आर राइट, आपका सही आंसर है आंसर बी। एनीवन एनी क्वेश्चन, दीपक निकिता प्रीतम निक्की सनु सचिन, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया आपको, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। यस सर, ओके, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आता है तो आप इसको अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके निकिता, ओके ठीक है। देखो जो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, दूसरे तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि जिस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है, उस पॉइंट के अबाउट वो किस रेट से रोटेट कर रहा है, राइट, उस पॉइंट के अबाउट किस एंगल से वो रोटेट कर रहा है, ये बेसिकली हमें क्या बताता है एंगुलर वेलोसिटी। या फिर और आसान आप ये समझ लो सिंपली, अब देखो पॉइंट सी के अबाउट पूछ रहा है, ठीक है, तो ये मान लो कि जिस पॉइंट के अबाउट वो पूछ रहा है उसको सेंटर रिज्यूम करो, और सेंटर रिज्यूम करके कि जो पार्टिकल है और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस हो क्या, उसको रेडियस मान लो उस सर्कल का, और वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो, आपने क्या किया, सी के अबाउट निकाला, तो आपने सी को सेंटर मान लो, वैसे इस सर्कल का सेंटर सी ही है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली ये इस सर्कल का सेंटर सी है और इसके और पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कितना आर है, तो ओमेगा सिंपली कितना आ जाएगा, वी बाई आर आ जाएगा, ठीक है। अब ए के अबाउट आपको बता रहा है, तो आप क्या अज्यूम कर लो कि ए किसी ए क्या है, एक सर्कल का सेंटर है
और उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट जिस जहां पर पार्टिकल है उसके बीच का जो डिस्टेंस वो क्या है, उस रेडियस ऑफ दैट सर्कल है। तो एक नया सर्कल ऐसे बना लो लाइक दिस, इस तरीके से बन जाएगा। अब इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। तो उस सर्कल के लिए, ठीक है, इन विच ए पॉइंट इज सेंटर, तो ओमेगा हम कितना निकाले, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट ये मैंने बहुत जनरल तरीका आपको बता दिया कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, आर इज व्हाट, आर इज द पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर बेसिकली बिटवीन द पॉइंट बिटवीन द पार्टिकल एंड द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वो आर वेक्टर बेसिकली। ये तो दूसरा तरीका, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि आपने उस पॉइंट को क्या मान लिया, सेंटर मान लिया, और सेंटर मान के जो उस पॉइंट जिसके अबाउट में निकालना और पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस उसको रेडियस एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है निकिता आपको ये? ओके, दैट्स ग्रेट, ओके फाइन, ओके सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, जस्ट डू ए ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन को पढ़ो एंड ट्राई करो आप। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हाँ, लाइक थ्योरेटिकली सॉरी कैलकुलेशन भी इसमें दिया जा सकता है डाटा वाटा देखिए, बट ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको होगी कि हर पॉइंट में किस तरीके से टेंशन वेरी कर रहा है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करो, देन फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। किसी का आंसर आ रहा है इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या इसमें बोला, द कॉर्ड मोस्ट लाइकली टू ब्रेक द ओरिएंटेशन व्हेन मास इज एट, बेसिकली आपको ये इसमें बताना है कि जो ए बी सी डी चार पॉइंट बनाए हैं उस किस पॉइंट पे देयर इज प्रोबेबिलिटी, लाइक हाई प्रोबेबिलिटी, सो दैट द स्ट्रिंग कैन ब्रेक, जो स्ट्रिंग है वो टूट सकता है इन चारों में से किस पॉइंट पे, वो चीज आपको बतानी है। Thank you.
एनीवन ओके okay, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, एक जनरल टर्म निकालते हैं इसमें, देन आपको इसमें कंपेयर करना इजी होगा, ठीक है? सिंपल है, एक स्मॉल स्फीयर अटैच टू अ कॉर्ड एंड रोटेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल अबाउट अ पॉइंट ओ, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड द कॉर्ड इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट द ओरिएंटेशन व्हेन द मास इज एट, ठीक है एवरेज स्पीड इज इंक्रीज्ड, ठीक है? वो लाइक जब सर्कुलर मोशन होता है तो क्या होता है कि लाइक उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज डिक्रीज होती है, डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, राइट? देखो लेट अस, मैं एक जनरल पार्ट ले रहा हूँ फिर उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये लेट अस सपोज ये ओ है, ठीक है, जो सेंटर उसको मैंने ओ मान लिया और मैंने ये माना कि पार्टिकल जो है स्फीयर है स्मॉल, वो यहाँ पर इस वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? अब फोर्सेस लिखते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है? इस पॉइंट पे फोर्सेस लिखते हैं, देखो कैसे कैसे क्या क्या, एक एमजी फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? और ऐसे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है? अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से आप, ये एंगल थीटा हो जाएगा और बेसिकली ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, मान लो कि ये इस तरीके से रोटेट कर, मतलब अभी इसका वेलोसिटी डायरेक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, राइट? तो आप एमवीडी बना हुआ सिंपल, टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इस तरीके से, एंड एट दिस सिचुएशन एमजी को आप रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एमजी का, दैट इज इस साइड आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा एमजी cos theta आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा mg sin theta आ जाएगा, ठीक है? तो टेंशन अगर आप लिखोगे along the string क्या करो, आप फोर्स बैलेंस करो, तो along the string जब आप फोर्स बैलेंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेंशन t is equal to mv square by r plus mg cos theta, ये आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो क्या बोल रहा है कि ये इस सेंटेंस को देखो आप, द कॉर्ड इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट द ओरिएंटेशन, मींस व्हाट, कि जिस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी या चांस ज्यादा होगा उस कॉर्ड के या स्ट्रिंग के टूटने की, ठीक है? तो पॉइंट कौन सा होगा? अब देखो इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, अगर मैं ये मानता हूं कि पार्टिकल को बी से कुछ वेलोसिटी देके छोड़ा गया, ठीक है, और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, और आपको पता होगा कि अगर इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना है तो जो बी पे वेलोसिटी देनी पड़ेगी दैट शुड बी ग्रेटर देन रूट फाइव जी आर, ठीक है? सर्कुलर मोशन में आपने देखोगे ये रूट फाइव जी आर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे हमने जो भी वेलोसिटी हम इसको देंगे पॉइंट बी पे, आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इस अलोंग दिस सर्कल इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटेगी घटेगी, और ये पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी मिनिमम होती है, ठीक है? मतलब जो पॉइंट बी पे वेलोसिटी है वो क्या होगा, इस कंप्लीट सर्कुलर मोशन का क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें, खैर वर्टिकल सर्कल बोला भी है यहाँ पे, ठीक है, तो बी पे क्या होगा, वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, राइट? अब ऐसे अब देखो ये मैंने क्या लिखा, किसी जनरल पोजीशन थीटा पे लिखा है, राइट? अब थीटा को वेरी करो, थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पॉइंट बी मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू आप 90 पुट करोगे तो आपको पॉइंट डी मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 पुट करोगे आप तो आप क्या मिल जाएगा, पॉइंट ए मिल जाएगा, राइट?
अब ये देखो यब बी स्क्वायर बाई आर, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा राइट। अब वी पे डिपेंड करता है, तो एक चीज हमें पता चल गई, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट बी, ठीक है, बी पॉइंट पे मैक्सिमम है और मिनिमम कहाँ पर है, मिनिमम एट पॉइंट ए, ठीक है। ये आप एनर्जी कंजर्वेशन से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्कडन नहीं है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा राइट, जो नेट मैकेनिकल सॉरी जो नेट मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब ये जो टर्म है, अब आपको पता है जो कॉस है वो 0 टू 90 डिग्री के बीच में जब होता है पॉजिटिव होता है, 90 से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो देखो जो थीटा मैंने लिया वर्टिकल से, मतलब ये जब बी टू डी जाएगा ना तो थीटा इंक्रीज हो रहा है और वो जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एंड जैसे ही पार्टिकल डी को क्रॉस करेगा, डी से क्रॉस करने बाद ए की तरफ जाएगा, थीटा की वैल्यू किसमें आ जाएगी, थीटा की वैल्यू इसमें आ जाएगा 90 to 180 के बीच में। एंड कॉस थीटा 90 to 180 के बीच में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब जब पार्टिकल डी टू ए के बीच में होगा तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस समथिंग होगा ये, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है राइट। तो बट अगर बी टू डी में आप देखो तो कॉस थीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है राइट। अब बी टू डी जब मोशन हो रहा है पार्टिकल का तो थीटा क्या हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है, कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस व्हाट, इसका मतलब क्या हो, ये जो वैल्यू है ये एज जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा ये कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कॉस थीटा के मैक्सिमम वैल्यू कब होती, जब थीटा क्या होता है, जीरो, मतलब एट पॉइंट बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वन। एट पॉइंट बी पे अगर आप लिखोगे टेंशन की वैल्यू एट बी, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एफ जी, बिकॉज थीटा कितना है, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। और पॉइंट बी पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती, ये चीज हमने जस्ट अभी निकाला सीख लिया था कि पॉइंट बी पे वेलोसिटी एनर्जी कंजर्वेशन से मैक्सिमम आ रही है। और ये जो रिलेशन है ये किसी भी जनरल पॉइंट पे आप निकालोगे वो होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये एम जी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एम जी हो सकता है, ठीक है। तो वो तो कहाँ पे आ रहा है, बी पे आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स इन सर्कुलर मोशन कहाँ आता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आता है। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग कहाँ आता है, वर्टिकली टॉप मोस्ट पॉइंट पे आता है, क्योंकि वो सीधे एम वी स्क्वायर माइनस एम जी हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एम वी स्क्वायर बाई आर वैसे ऊपर होगा और एम जी क्या होगा, सीधे नीचे होगा। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कहाँ पे होगी, बी पे। सो एट पॉइंट बी देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि जो स्ट्रिंग है जो कॉर्ड है वो टूट सकता है, ठीक है। या बेसिकली जो बोल रहा है इसमें कि जो ओरिएंटेशन है उसका वो बिगड़ जाए, ओरिएंटेशन बिगड़ने का मतलब क्या है कि देर इज चांस कि वो जो कॉर्ड है वो टूट जाए। क्लियर है सबको ये, या फिर कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन और एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क। ओके दीपक फाइन, हर्षिता निकिता रिंकी प्रीतम, इज इट क्लियर टू यू हाउ द टेंशन फोर्स इज वेरी इन द इन सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देख ये चीज को आप ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, नॉट हॉरिजॉन्टल राइट। तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग में, अगर पार्टिकल को हम उस घटनाकर से रोटेट कराएं तो इस तरीके से टेंशन फोर्स वेरी करता है। सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन फोर्स होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे मिनिमम होगा। ओके फाइन, सचिन निकिता हर्षिता, इज इट क्लियर टू यू,
ओके दैट्स फाइन, किसी का आंसर नहीं आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बॉटम पॉइंट बी, लाइक देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट बी दैट क्वाड कैन ब्रेक लाइक और ओरिएंटेशन में चेंज, राइट, एट पॉइंट बी पे हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि जो स्ट्रिंग है जो क्वाड वो टूट सकता है। ओके चलो बढ़िया है, इट इज द नेक्स्ट वन। ओके जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, हेलमेट बाय द रॉड, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको एबीडी भी बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो आप अच्छे से पहले आप डायग्राम बनाओ तब जाके आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, एमजी फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर आप कार के अंदर जो प्लग बॉब है उसके मोशन को ऑब्जर्व करोगे तब यू रियलाइज कि किस तरीके से चल रही है। हर्षिता सी आई थिंक यू आर राइट, ओके लेट अस चेक, देख लेते हैं, आई थिंक योर आंसर इज राइट, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ लेट अस सी कैसे कर सकते हैं, कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस दिस विद एन कांस्टेंट स्पीड लाइक दिस, द प्लंब बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ कार। देखो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, एंगल मेड बाय द रॉड, देखिए इस तरीके से, देखो ये ऐसे क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इस पे कार है, मैं कार का केवल साइड व्यू बना रहा हूँ, ठीक है, ये बैक व्यू है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसके टॉप से एक ऐसे प्लंब बॉब को हैंग कर दिया है रूफ ऑफ कार बाय लाइट रॉड ऑफ लेंथ दिस, तो एंगल मेड बाय रॉड विद द ट्रैक इज, ठीक है, ट्रैक के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, ट्रैक मतलब हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो, ठीक है, तो होगा क्या जब एक कार कुछ ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी दी हुई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो इस पे क्या होता है, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से mv स्क्वायर / r लाइक दिस, तो ये जो अंदर बॉब है प्लंब बॉब वो कुछ ओरिएंटेशन ऐसे हो जाता है, देखो प्लंब बॉब का ओरिएंटेशन ऐसे हो जाता है, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है, तो अगर आप ये जो प्लंब बॉब है इसका अगर आप एमबीडी बनाओगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा mg नीचे लाइक दिस और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा लाइक दिस mv स्क्वायर / r, ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क, ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, अब सिंपली क्या करना है आपको, क्या क्या और चीजें दी हुई, लाइट रॉड लेंथ इज एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक, ठीक है, आपको चीजें दी हुआ दिया हुआ है, उससे आपको क्या करना है, निकाल लेना, ठीक है,
मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको अगर इस लाइन को एक्सटेंड करवा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे तरह से मैं लिख देता हूँ, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप टेन थीटा निकालते हो, टेन थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, दिस एम वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी एम वी स्क्वायर बाई आर बाई एम जी। सो एम से कट जाएगा, यहाँ पे आपको क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाई आर जी बन जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज आपको दिया हुआ, वी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना है 10 का स्क्वायर करो, 10 इंटू 10 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर मीन्स रेडियस ऑफ सर्कुलर आर की बात कर रहा है, इसके लेंथ की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर। तो वो कितना 10 है, जी की वैल्यू कितनी ले लो, 10 ले लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 1। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। बेसिकली इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो बॉब है इसको हमें ध्यान में रखना था, इस पे कौन कौन से फोर्स लगने थे उसको, और एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक, ठीक है। तो ये जो ट्रैक है इससे कितना एंगल बना रहा था, ये थीटा बेसिकली आपको बताना था, ठीक है। यस हर्षिता यू आर राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोगों को समझ में आ गया ये, ओके, बहुत बढ़िया दीपक। सचिन, रिंकी, निकिता, ओके चलो बहुत बढ़िया, let us move on the next one, okay। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन रीड करो एंड ट्राई करो। एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, उसको अगर आपने पकड़ लिया, ध्यान दे दिया तो आप कर लोगे। Their speeds are such that they make complete circle in same टाइम, मतलब टाइम पीरियड क्या, एक रिवॉल्यूशन का सेम है इनका, किसी का आंसर आया इसमें, अर्षिता सी आई थिंक यस वर राइट, ओके। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं इसमें, कुछ हो सकता है। अब देखो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट है जिसको दे मेक कंप्लीट सर्कल इन सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड आपको पता है कितना होता है, 2π/ω, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में इनको क्या लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड से, मतलब टाइम पीरियड से, इसका मतलब क्या है, ओमेगा भी सेम है, ठीक है। तो दोनों के लिए ओमेगा क्या है, यहाँ पे सेम है, ये एक पॉइंट था, ये आपको समझना था। अगर ये आपने समझ लिया तो आंसर आप वैसे निकाल लोगे। टाइम पीरियड सेम का मतलब क्या हो गया, t = 2π/ω होता है। तो ओमेगा क्या है, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ठीक है। अब क्या बताना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है,
वी स्क्वायर बाई आर, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो लिख लो वन के लिए और टू के लिए, ए सी वन अपॉन ए सी टू, मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ वन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ टू। तो वन का कितना हो जाएगा आर वन ओमेगा स्क्वायर, टू का कितना हो जाएगा आर टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या दोनों का सेम है, तो सिंपली क्या आ जाएगा आर वन बाई आर टू आ जाएगा, सिंपल राइट। ये एक पॉइंट था, मेक कंप्लीट सर्कल इन द सेम टाइम। तो यहां से एक चीज आपको ओमेगा का रिलेशन निकालना था, ओमेगा क्या रहा था इक्वल आ रहा है, तो आप कर लेते हैं। मास का कोई रूल नहीं, आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, फोर्स नहीं पूछ रहा है। फोर्स पूछता तब वो टर्म आता, बट फोर्स नहीं पूछा तो मास का कोई रूल नहीं है। क्लियर है सबको ये? रिंकी, निकिता, सचिन, ओके, प्रीतन, ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है। ओके लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Okay, see this question and try to find for a particular uniform circle question acceleration at point P R. This. किसी पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। एट पॉइंट पी का मतलब क्या है, r r theta means what, r is the radius and theta is the angle made, jise aapko diya hai, theta is measured from the positive x axis, theek hai, to aapko answer bata hai। हर्षिता से योग्य, आई थिंक यू आर राइट। ओके लेट अस चेक, देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं इसमें। अब इसमें जो गिवन है ना उसको आप पहले लिख लो। एक सर्कल आपने बना लिया राइट, और क्या चीज में आपको पूछ लिया है, हाँ देखो आप इसने क्या बोला कि आपको क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है पी, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी सॉरी, और ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये बोला कि पॉजिटिव एक्सिस में जगह, तो मान लेते हैं ठीक है ये पॉइंट कहाँ है, ये पी यहाँ पर कहीं है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये थीटा एंगल हो गया और ये आर हो गया राइट। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहले पोजिशन निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, देखो सिंपली r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप राइट। देखो मैं p पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा r sin थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये r cos थीटा x में होगा और r sin थीटा y में होगा, ठीक है। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं, देखो इस तरीके से
पोजिशन वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, पोजिशन वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब पोजिशन वेक्टर को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आपको मिलता है, वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। ठीक है, डी आर बाई डी टी ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा आई कैप और साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा जे कैप हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल गया। अब आप वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेलरेशन मिल जाएगा ये। ठीक है, अगर डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा, आर साइन थीटा का कॉस थीटा आई कैप और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आपकी आ गई, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप, व्हिच इज सॉरी वेट अ सेकंड। इसमें एक्चुअली देखो ये जो वी स्क्वायर दिया ना, जो वी स्क्वायर आपको दिया है, इसको आपको इस तरीके से कर लेना था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख लो। ठीक है, एक चीज यहाँ पे है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आप लिख लो। ठीक है, खैर ये एक मिनट, एक साथ हमने क्वेश्चन किया था तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, खैर मैंने टी को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सिंपली आपको क्या लिखना था, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे ओमेगा टी आप लिखते। ठीक है, तो इससे चलो ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से कर देता हूँ। राइट, तो ये आपका बेसिकली जो वी स्क्वायर वाला टर्म है ना, वो टर्म आ जाएगा। राइट, देखो यहाँ पे खरी ये इसको जो पोजीशन वेक्टर है इसको इस तरीके से लो, ये खरी दूसरे टर्म में गया तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप इस तरीके से लो, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे डी आर बाई डी टी, तो ये ओमेगा एक बाहर आ जाएगा, तो माइनस आर ओमेगा कॉस का क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ये आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। सिमिलरली एक बार और आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक, खैर इसको छोड़ो आप, ठीक खैर वो थीटा था, थीटा मैंने देख कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। राइट, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या थीटा है, तो इसको फाइनली क्या करो, इसके प्लेस पे आप थीटा पुट कर दो। राइट, पहले थीटा को ओमेगा टी लिखना क्योंकि हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तो बस कन्वर्जन है, कुछ वैसे स्पेशल नहीं। तो आपको बेसिकली इसमें क्या करना था, पहले पोजिशन वेक्टर लिख लिया आपने, ये पोजिशन वेक्टर लिखने के बाद आपने क्या किया, इसको पोजिशन वेक्टर लिखने के बाद आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, और दूसरी बार जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, तो पहले थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रख के डिफरेंशिएट करना, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद फाइनली, क्योंकि जो आंसर आपका दिया हुआ थीटा टर्म में दिया हुआ है, तो फाइनली आपको क्या कर लेना था, आपको उसको ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा लिख देना था, और कुछ ऐसा अंतर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप जो ओमेगा टी है उसको क्या लिख दो, आप थीटा लिख दो, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। अब ठीक, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। राइट, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर आप पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे कैप। बेसिकली आपको पोजिशन वेक्टर लिख के डिफ्रेंशिएट करना था मेन इस क्वेश्चन में। हाँ, सीधा यू आर राइट, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये, इसलिए आपको पोजिशन वेक्टर लिख के आपको डिफ्रेंशिएट करना था, नथिंग इज, और कुछ इसमें नहीं था। ठीक है, लाइक थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है, तो एक्सेलरेशन है नहीं इसमें, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, सेंट्रीपेटल तो होगा।
रिंकी निकिता सचिन ओके फाइन ओके लेट अस मूव द नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से ओके दैट्स गुड एक बढ़िया क्वेश्चन इस क्वेश्चन को रीड करो आप सर्कुलर मोशन का एनर्जी कंजर्वेशन भी इसमें आपको लगाना पड़ेगा आई होप आपने अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे दिस रीड दिस क्वेश्चन एंड डू इट अच्छा क्वेश्चन है किसी का आंसर है एनीवन गॉट द आंसर इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है नहीं तो आप शायद इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे कि कोई पार्टिकल अगर कोई बॉडी अगर यहाँ पर है इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी हम दें सो दैट कि ये ऐसे सर्कल कंप्लीट कर सके ये चीज आपको पता होनी चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे ठीक है फिर उसके बाद क्या करना आपको एनर्जी कंजर्वेशन सिंपली करना है ओके चलो कोई बात नहीं काफी टाइम हो गया इसको देखो आप लोग कैसे करते हैं ओके बिफोर दैट पहले इसको समझ लो आप कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होती है अगर मैंने किसी पार्टिकल को ऐसे एक स्ट्रिंग से बांध दिया इस स्ट्रिंग का लेंथ मान लेते हैं एल है इसका मास एम है इधर कितनी ये वर्टिकल सर्कल की हम बात कर रहे हैं ठीक है ये क्या है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं राइट वर्टिकल सर्कुलर मोशन ठीक है सो व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ बी
सो दैट दिस पार्टिकल कंप्लीट सर्कल. तो इसकी वैल्यू आती है रूट फाइव जी एल. अब कैसे आता है देखो, जो क्रिटिकल पॉइंट है इस पूरे प्रोसेस में, मान लो ए है, ये बी मान लेते हैं, ये सी, ये डी. तो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन में, सॉरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कम हो सकता है, हमने अभी प्रीवियसली देखा कि सबसे कम कहाँ पर होता है, वर्टिकल टॉप पॉइंट पे होता है. ठीक है, तो वर्टिकल टॉप पॉइंट पे अगर आप एफ डी बनाओगे इसका, ऐसे क्या होगा, एफ जी नीचे लग रहा होगा, टेंशन इसके अलॉन्ग होगा, और इधर लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, तो अगर पार्टिकल बी पॉइंट को क्रॉस कर जाता है तो क्या होगा कि ये आराम से एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा. तो पॉइंट बी पे देखो टेंशन फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, टेंशन फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी. ये क्रिटिकल पॉइंट है, एट पॉइंट बी की हम बात कर रहे हैं. ये क्या है, बी क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, राइट. तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कुछ यू वेलोसिटी यहाँ पे दी गई यू, राइट. सो व्हाट वी कैन राइट, एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. अगर पॉइंट ए को हम क्या माने, एट पॉइंट ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये जो रेफरेंस लाइन है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन व्हाट वी कैन राइट, एनर्जी एट पॉइंट ए मींस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. एट पॉइंट बी इट वुड बी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम जी इंटू टू एल हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से हमें इसमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, यू में देखो इसकी वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई टू माइनस टू एम जी एल, या फिर टू इसको हटा दोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, इधर फोर आ जाएगा. चलो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, बाई एल भी मैं कर देता हूँ, एल यहाँ खैर आर मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दो, एम वी स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस टू एम जी, राइट. इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे दिस इक्वेशन एंड दिस. सो पॉइंट बी पे क्या क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे, टेंशन एट बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस व्हाट, एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, सो व्हेन वी विल सॉल्व, लाइक ये जो वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां से आप इसको पुट कर रहे हो, तो यू विल गेट कि आपको यू मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितनी होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन रूट फाइव जी. अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्लास का टाइम ओवर हो गया है, राइट. तो यू मिनिमम चाहिए कितना, रूट फाइव जी एल. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं. अब इसमें ये बोला है कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से इसको रिलीज करे कि ये इससे कोलाइड करे इलास्टिकली. इलास्टिकली का मतलब क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन है, अगर थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा हो, तो उसकी वैल्यू ई होती है. ठीक है, और मास दोनों का सेम है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी वो इंटरचेंज हो जाती है. मतलब अगर ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे जब आएगा टकराएगा, मान लेते इसकी वेलोसिटी कुछ भी है, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन वही इसकी वेलोसिटी बी हो जाएगी. ठीक है, सो दिस वी शुड बी, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वी शुड बी ग्रेटर देन रूट फाइव जी एल टू कंप्लीट द सर्कल. ठीक है, तो ये कंडीशन हम लगाएंगे, और यहाँ पर एक बार हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे, तब जाके हमको इसमें आंसर मिलेगा, और आई थिंक आंसर विल बी बी शायद आंसर आएगा इसमें. ठीक है, अब एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट. 90% चीजें मैंने बता दी है आपको, एक बार बस इक्वेशंस लिख के उसको सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व होगा तो बताना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो वी विल एंड दिस सेशन हियर, राइट, and we'll meet on the next class. आप इसको try करने, मैंने almost 90% बता दी, बस आपको एक equation लिख के u की value बतानी है, to click इस situation में कितना आएगा, right, यहाँ पर. समझ में आया ये, कैसे इसको solve करना है? Because we have to end this session here, right? Because next class I think आपकी होने वाली है, तो हम इसको end करेंगे यहाँ पे. आप ट्राई करना, आई थिंक आंसर मुझे क्लियरली याद है, बट आई थिंक ये बी शायद आंसर आ रहा है, आएगा आपका. ठीक है, इसमें थोड़ा कोलिजन का भी, कोलिजन जिसको अगर
नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेफ्ट छोड़ दो आप इसको, जब कोलिजन पड़ेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके देन, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. कान पका दीजिए.